मैं फनी शर्मा आप सभी लोगों के सामने हम लोग फिर शुरू करने जा रहे हैं CA का अगला पड़ाव। नया टॉपिक हमारे सामने है कि जब टाइम अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो उस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरह से होता है। अब तक की सारी कहानी को एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा 2 साल के लिए, 2 साल का डिफरेंस हमने देखा है, 3 साल के लिए देखा है जिसमें हम लोग 3 साल में मैजिक नंबर हमने लगाया हुआ है। इसके बाद में हम लोगों ने जो है कि इसको A+D+ का AB/100 इस तरह के फॉर्मूले का यूज़ करके फाइनल बनाया है। 3R.3R² × R³ जो कहानी है उसका हमने यूज़ किया है बेहतरीन तरीके से, और 4 साल 5 साल 6 साल तक की कहानी मैं आपको समझा चुका था अब तक की पूरे प्रोसेस में। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि सर अगर फ्रैक्शन में किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना हो तो किस तरह की योजना हमको बनानी चाहिए, वो कौन सा रास्ता होगा जिससे हम लोग इसके क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकें। ठीक है दोस्तों, एक बार हम शुरू करते हैं। देखिए आप जो भी है मतलब अब आपको तैयार होना है कि अब तक जो पढ़ा है उसका बेसिक यहाँ पर यूज आने वाला है। देखिए बच्चों आप ध्यान दीजिएगा मेरे साथ में, हम लोगों ने जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आप जो सोचें वो लिखते हैं, डेटा आसान सा लिखेंगे हम लोग ताकि हमें कंसेप्ट में दिमाग जाए, कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे बाद में। मान लीजिए बेटा प्रिंसिपल आपको दे रखा है वो मान लीजिए आपको वही 10,000 रुपये है। जी हाँ सर, अच्छा सर ठीक है, बोले सर जी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए वही 10% का है। जी हाँ सर, लेकिन बेटा टाइम आपको जो दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 1.5 ईयर्स। अच्छा जी सर, बात इतनी सी कि 1.5 साल का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो आप बेटा ये बताइए, हमने जब लास्ट वीडियो पढ़ा था तो हमारे दिमाग में क्या बात आई थी कि सर ऐसा है कि जो बंदा 6 महीने के लिए यानी 6 मंथ के लिए कोई पैसा अगर लोन पे लेके जाता है तो उसको 6 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 10% का अगर हम लोग निकालते हैं 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये ब्याज देने का मतलब है नहीं अगर आप 6 महीने की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि वो कहानी कितनी हो जाएगी, वो हमेशा 6 मंथ के हिसाब से हाफ ऑफ द रेट चलेगा। कि हाँ सर बात एकदम सही है, इसका मतलब कि रेट को तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। भाई आप बोलते हैं 1 महीने तक की बात है और 12% की रेट चल रही है, तो 1 महीने का आप 1% ही ब्याज दोगे ना। कि हाँ सर ये वाली बात सही है, इसका मतलब कि हमारे पास में क्या चीज़ आएगी, सर 1.5 साल की हम लोग बात करें और 10% की कहानी है, तो 1.5 साल में दोनों सालों की बात करें तो बेटा कहानी ऐसे आ जाएगी कि सर जी 1 साल की फर्स्ट ईयर तो ये हो गया 1 साल, और प्लस में इसको चाहें तो हम लोग हाफ ईयर बोल सकते हैं। तो पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चलने वाला है, 10%। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे साल में बदल जाएगा, लेकिन दूसरे साल में 10% जो है वो कहाँ तक रहेगा बेटा, हाफ ईयर तक रहेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर आप 10 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/2 से, जो आप समझ जाएंगे कि सर जी यहाँ पर जो है कि 5% का रेट जो है ये यहाँ पर लागू होगा। आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से एक बात समझ में आनी चाहिए, सर 1.5 साल के लिए आप जो है कि 10% और 5% का कंबाइंड आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा तरीका नंबर फर्स्ट सोचते हैं आप, बिल्कुल आराम से मेरी बात समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें चीज़ें समझनी है। चलिए बेटा बताइए कि पहले साल में हम लोग बात करें कि ये मान लीजिए 10,000 रुपीज़ है, इसका मुझे 10% निकालना है, तो क्या बेटा 1,000 रुपये होगा। जी हाँ, ये जो मेथड फर्स्ट लगा लेते हैं हम लोग, एक नंबर मेथड ये है, इसका आपने कहा था जी ऐसा है कि फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा, 1,000 रुपये बनेगा बेटा, 10,000 रुपीज़ का 10% के हिसाब से 1,000 रुपये बनना तय है। तो आप भूल जाइए 1 साल निकल गया ना, हाँ सर निकल गया। ईयर नंबर सेकेंड की बात करें, जी हाँ सर ये बताइए बेटा कि 10,000 रुपीज़ जो है इसका अब कितना परसेंट पूछा जाएगा। सर जी आप इस साल तो अब हाफ ईयर की बात कर रहे हो ना, मैंने कहा हाँ सर, तो बेटा हाफ ईयर का मतलब हो गया कि आपका 10% की जगह कितना यूज आने वाला है, 5%। अच्छा सर, तो मतलब 10% खत्म हो चुका है, अब कितना रह गया, 5%, यानी कि सेकेंड ईयर में क्योंकि आधे साल की बात चल रही है तो बेटा 10,000 रुपीज़ का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो क्या 500 रुपये आ जाएगा। जी हाँ सर आ जाएगा, लेकिन ये 1,000 रुपये बोलेंगे साहब अगर हमारा परसेंटेज निकाला जाता, कि सर हम भी तो प्रिंसिपल है, मैंने कहा हाँ सर, तो 1,000 बोलेगा भाई हमारा जो परसेंटेज निकाला जाएगा वो भी तो 5% यहाँ पे काम आना चाहिए, यानी 1,000 रुपीज़ का 5% निकाला जाए। जी हाँ सर, तो कितना रुपया आएगा बेटा, 50 रुपये। अब यहाँ सर मैजिक नंबर खत्म हो जाएगा, मैजिक नंबर उन फिक्स्ड रेट के लिए काम करता है, आपने कहा 2% की रेट है, 4% की रेट है, कितनी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो फिक्स चलती जा रही है तो वहां पर आप मैजिक नंबर अप्लाई कर सकते हैं, वरना बेसिक से तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। वहां भी हमने सीखा था कि ब्याज का ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो बेटा यहां से इसको ऐड कर लिया जाए तो 1,500 रुपये तो ये वाले हो गए, और प्लस में ये जो है कि 50 रुपये हो गया, कुल मिलाकर के मेरे पास में आ गया 1,550 रुपये का आपको टोटल जो है कि इंटरेस्ट मिलने वाला है। बिल्कुल आसान सी बात थी। आप देखो बेटा बिल्कुल इंटरेस्ट लो, आप देखो कितना रोचक चीजें हैं, आप इसको ऐसे करते हैं, मान लीजिए हमने सीखा था जी वो A+B+ का जो है कि AB/100 जो फॉर्मूला बनाया था, हम रट्टा नहीं मार रहे हैं, अब 2R.R² भी काम नहीं करेगा, वो तो वहां पे काम करता था जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर था, यहां पर बराबर नहीं है। देखो टारगेट कितना रहेगा, सर जी 10 हो गया प्लस का 5 हो गया, जी हाँ सर, प्लस में जो है कि 10 × 5/100 हो गया, मैंने कहा जी सर बिल्कुल बात सही है,
मैंने कहा 15 तो ये हो गया, जी सर ये हो जाएगा प्लस में जो है कि 0.5, आंसर कितना जाएगा 15.5 रुपीस। मैंने इतनी सी बात बोली कि आपकी भाषा मेरी भाषा लगाने में हम लोग सक्षम है। मैंने सर कैसे, सर जी प्रिंसिपल मान लीजिए 100 रुपये होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट किया जाता तो 15.5% के हिसाब से 15.5 रुपये का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत है। आप जरा मेरी बात को सोचो बेटा कि सर ये इतना होता है, ऐसा होता तो होता, वो है कितना 10,000, महंगा 10,000 रुपीज प्रिंसिपल बनता है आपकी भाषा में, मेरी भाषा में कितना बनता है बेटा 100 रुपए बनता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15.5 कर दिया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 1550 रुपए। होपफुली आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। इस तरह से आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को डील करना है। मैं ऐसा नहीं है सर जी आसान सा क्वेश्चन ले लिया, देखो फ्रैक्शन वाले अगर हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट ही फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर क्या करेंगे। जैसे कि आप आइए एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं यहां से। कि सर बात कुछ ऐसी है, ये मान लीजिए आपके पास में प्रिंसिपल दे रखा है बेटा 2400 रुपीज, 2400 रुपए का आपके पास में प्रिंसिपल है। एट द रेट ऑफ 16 2/3% की बात चल रही है। ये वो बेहतरीन क्वेश्चन है जिनके लिए आप लोग मेरे वीडियोस में कमेंट कर रहे हैं कि सर आप मेंस के लेवल तक का क्वेश्चन करवा दीजिए। तो मेंस का क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता कि 2018 में कितना आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन मुझे पता है कि इसका जो लेवल है ये मेंस का लेवल है, आपको इस कंसेप्ट पे आना पड़ेगा। आप सोचिए जरा, मुझे दे रखा है 16 2/3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और बेटा टाइम आपको बोल दिया है कि टाइम इज 1 and 3/4 ईयर्स अगर चल रहा है तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। इस क्वेश्चन को भली भांति आप पढ़ लीजिए, आराम से समझिए सर जी, ये वो क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग के सारे तार खोल देगा। हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हमें तो ये समझना है सर जी बेसिक से तो बाहर थोड़ी है कुछ भी कि सर नहीं है। देखो तरीका नंबर एक लगाते हैं। फर्स्ट मेथड ये बोलता है कि सर अगर आप 16 2/3% ऑफ 2400 निकालना चाह रहे हैं तो एक साल के लिए वैलिड रहेगा, लेकिन 1 and 3/4 का मतलब हो गया सर 3/4, यानी कि आप लगभग 9 महीने का ब्याज और जोड़ना चाह रहे हैं कि हाँ सर। तो बेटा इसको सोचो, ये 1 and 3/4 का मतलब 1+3/4 ईयर है क्या? जी हाँ सर है। अब 16 2/3 का मतलब मैं ऐसे नहीं लिख सकता 16 3 48 2 मिला के 50 बटे में, वो तो टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं। क्या आप लोगों को पता है बेटा ये वाली चीज इसका मतलब कितना होता है? 1/6 होता है। जी हाँ सर। अब सोचो कि सर जी यहां पर तो आपको 1/6 1/6 होना चाहिए था, मानते हैं बात यहां तक? हाँ जी सर। कैसा ठीक है, मैं कहा यहां पे बताइए ये 1/6 जो बनता उस 1/6 को 1 की जगह हम लोग यहां पे तो 1 से मल्टीप्लाई किया, यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3/4 से करेंगे, ये जाएगा 2 बार। यहां पर कितना आना चाहिए? 1/8, यानी कि हम लोग जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था 10% और 5% की कहानी, तो पहले साल तो हमने 10% का गाना गाया था, सेकेंड ईयर में हम लोग गाना किसका गाएंगे? 5% का। उसी तरीके से यहां पर पहले साल में आप बार बार बोलेंगे सर जी 1/6 1/6 1/6 और सेकंड ईयर में कितना बोलेंगे बेटा 1/8 1/8 1/8। देखो इसको अपन डील करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे आंसर निकाला जाएगा वो ऐसे है जी, आप ऐसे लिखिए कि पहले साल में यानी कि फर्स्ट ईयर जो रहेगा इसमें क्या हालात रहेंगे। सर जी 2400 का 1/6 कितना होता है? मैंने कहा सर 2400 में अगर 1/6 किया जाएगा तो यहां पर कितना आएगा बेटा 400 रुपए। ये तो पहले साल का आपका इंटरेस्ट बनना है। ये बताइए बेटा सेकंड ईयर में कितना होगा? मैंने कहा सेकंड ईयर में कुछ भी हो 1/6 को हटा दीजिए, ये फर्स्ट ईयर में अपना काम करके जा चुका है। अभी आप लोगों का टारगेट रहा था जी 1/8 का कैसे यूज करेंगे, मैंने कहा सेकंड ईयर में जो है कि आप बताइए कि 2400 रुपए का 1/8 कितना होता है। मैंने कहा 2400 रुपए का 1/8 निकालना है तो इसमें आपको 2400 × 1/8 किया, आंसर आ जाएगा बच्चा 300 रुपए, लेकिन ये 400 रुपए बोखला जाएगा। ये बोलेगा भाई हम लास्ट ईयर में प्रिंसिपल थे तो मुझे इस साल में लास्ट ईयर में इंटरेस्ट था तो इस साल में प्रिंसिपल बन चुका हूं और मुझे भी मेरा इंटरेस्ट चाहिए। बेटा 400 रुपए का आपको 1/6 निकालना है कि 1/8 निकालना है? सर 1/6 निकालना। अरे नहीं निकालना ना लायक, सेकंड ईयर में 1/6 है ही नहीं, सेकंड ईयर में कौन सा रेट चल रहा है यहाँ पे 1/8, यानी कि सर जी 16 2/3 का हमने जो है कि 3/4 से मल्टीप्लाई करके 1/8 निकाला था। हाँ तो बेटा बताइए 400 रुपए का 1/8 कितना आएगा? आप सभी जानते हैं यहां से 400 में हमने 8 का डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा बेटा 50 रुपए आ जाएगा। जी हाँ सर। तो यहां से हमने कहा जी सारे को ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा 4 × 3 = 7, यानी कि 700 रुपए तो ये बन गया और 50 रुपए ये है, कुल मिलाकर के 750 रुपए आपका जो है कि इंटरेस्ट बन चुका है। बात इतनी सी है, कंसेप्ट तो यही है। अभी बेटा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा दिमाग में आ रहा होगा सर जी आप तो ना इसको ए प्लस बी प्लस का AB/100 से करके बताइए। मैंने कहा ऐसे चलो बच्चों मैं आराम सोचो, फर्स्ट ईयर की बात करें, एक तो है आपके पास में 1 ईयर और एक है आपके पास 3/4 ईयर। देखो जरा सोचना आप, भले मुझे पता है एग्जाम में करने लायक चीज नहीं, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो एक बार करना चाहिए हम लोगों को। यहां देखो बेटा 1/1 ईयर की बात करें, 16 2/3 का मतलब कितना हो गया 16 3 48 और 2 मिला के 50 बटे में 3,
सही है, 50/3% काम करेगा, लेकिन एक साल की बात है तो एक से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा बताइए बेटा 50/3 जो है इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3/4 से तो सेकेंडरी कहानी बन जाए। तो मैंने तो कैंसिल आउट किया, तो बेटा यहाँ से ऐसा है कि 50/3 तो ये हो गया और 50/4 ये हो गया, लगभग 12.5% ये है और ये मेरे पास है 16/2/3% है। आपको इनका कंबाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ऐसा जी इतना इतना है। तो हमने कहा जी खेल दो, फिर क्या होता है 50/3 प्लस में जो है 50/4 प्लस में बेटा रहेगा 50/3 इंटू 50/4 रहेगा, इसमें डिवाइड कर दिया जाए 100 का तो ये कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाला है कि हाँ जी सर आने वाला है। मैंने कहा देखो 50 के पहाड़े से हम लोग इसको काट सकते हैं दो बार। जी सर आप और भी कैंसिल आउट करना चाहें यहाँ से तो 2 की टेबल से आप इसको काट सकते हैं 25 टाइम्स। जी हाँ सर, अब कितना रह गया? सर जी ऐसा है कि यहाँ पर रहेगा 50/3, यहाँ रहेगा 50/4 और यहाँ पर हो जाएगा 25/, देखो 4 × 12 हो गया, 12 हो गया। अपना टारगेट ये है कि बेटा हम लोग मिला करके इस पूरे का एलसीएम ले लेते हैं 12, तो 3 की टेबल से 4 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 200, 4 से जाएगा 3 बार यानी कि हो जाएगा 150 और 12 से 12 जाएगा यानी कि 25 हो जाएगा। मामला यहाँ के रुकता है जी 200, 350 और ये हो जाएगा 375/12। अच्छा सर जी, तो हमने कहा 375/12 इतना परसेंट आ रहा है, भले ही डिफिकल्ट है लेकिन कंसेप्ट तो हमें पता होना चाहिए। मैंने कहा सर ऐसा है कि हम लोग इतना परसेंट निकालना चाह रहे हैं, कितने का इसको और काटना चाहे तो बेटा 7, 5, 12, 3, 15 3 की टेबल से कट जाएगा ये 4 टाइम्स और 3 की टेबल से देखो ये कितनी बार जाएगा, ये 12, 3, 36, 1, 5, 125/4 यानी कि 125/4% आपको जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बनने वाला है। आपने जितना टाइम पूछा है एक साल और 3/4 साल जो रहेगा उसका, तो हमने कहा जी सर आपकी भाषा मेरी भाषा लगा सकते हैं क्या? मैंने कहा प्रिंसिपल अगर 100 रुपये होता तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि CI जो बनता वो 125/4 रुपये बनता, लेकिन आपने कहा कि प्रिंसिपल है कितना, सर 2400 रुपये है। मैंने कहा भाई बात इतनी सी आ गई है कि 2400 रुपये जो है कि प्रिंसिपल बनता है आपकी भाषा में और मेरी भाषा में कितना बनता है दोस्त, ये प्रिंसिपल है 100 रुपये। हमारी कहानी में टोटल जो है कि 125/4 इतना CI बन रहा है तो आपकी भाषा में कितना बनेगा? मैंने कहा ये वाला पार्ट तो यहाँ से खत्म कर दें, इस 4 को जो है कि 6 से काट देते हैं। आप जरा सोचो बेटा यहाँ से 125 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं लगभग आंसर कितना आएगा? सर जी 125 का हमने डबल किया 250 हो गया, 3 बार मल्टीप्लाई किया 750 आपका यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। तो आप लोग मेरे हिसाब से बिट्टू मेरी सारी बात समझ चुके हो आप लोग, आपको दिमाग में रखना है कि सर जी कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए अगर आप मुझे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं तो हम लोग जो है कि 3R² 3R वो सारे फॉर्मूले हम लोग लगा सकते हैं और फॉर्मूले जितने भी मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। अभी ये देखने का है सर जी है क्या इस क्वेश्चन में, मतलब क्या है CI? CI कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट का फिर से इंटरेस्ट है। अगर आप तीसरे साल की बात करते तो मैं इसका भी इंटरेस्ट बनाता, इसका भी इंटरेस्ट लिखता और यहां पर ही इसका ब्याज लिख देता और सबको मिला करके मैं आंसर निकाल देता, तो परेशान होने वाली बात ही नहीं पूरे चैप्टर में। आप लोगों को केवल कंसंट्रेशन बनाना है, दिमाग में एक बात बना लो कि सर मुझे CI सीख के दिखाना है। जब ये सर यहां पर खड़े होकर के डायरेक्ट हमको YouTube पे पढ़ा सकते हैं तो हम लोग भी सीख सकते हैं, और हम लोग कल को किसी को पढ़ाना पड़ जाए तो उस तरह का कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप करें हम लोग, उसके लिए एक ही तरीका बेटा कि इस चीजों को बहुत अच्छे से आप पढ़ो, बेसिक पे जाओ, जितना आप लोग टाइम देंगे जितना रगड़ोगे उतने ही आप में निखर जाएगा, उतना ही निखार आप सब में आएगा, आप लोग चीजें सारी अच्छी हो जाएंगी। बस आप ये है कि पूरे जी जान से शुरू हो जाओ, जैसे डेटा मैंने कोई बेटा मैं सच बता रहा हूँ मैंने कोई इसमें रट्टा नहीं मारा है, ये 2400 भी मन से सोचा कि सर ऐसा है कि कोई भी नंबर ले लेते हैं, जनरली कोई नंबर जो है कि 16/2/3, 1/6 आएगा, 3/4 आएगा, 6/4 LCM, 2400 मान लो ताकि राउंड फिगर में आंसर आ जाए। ऐसे आप मन में आपके जो समझ में आए वो डेटा आप ले लीजिए, 4800 ले लो या आपको लगता है कोई भी ऐसा डेटा आपने लिया और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकालो, एक बार ऐसे ट्राई करो, एक बार ऐसे ट्राई करो। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चन वहां पे आने वाले, लेकिन हमारे दिमाग में एक बात तो रहे क्वेश्चन कैसे भी तरीके का आ जाए कंसेप्ट के बाहर थोड़ी होगा, कैलकुलेशन करना तो मेरी जिम्मेदारी है, वो लोग आपका टेक्निकली माइंड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है ये लोग जज करना चाहते हैं, तो वो आपकी कैलकुलेशन आपसे करवा लेंगे जितनी करवानी है, लेकिन कंसेप्ट भी तो आना चाहिए बेटा कि आपको क्या इन सब चीजों का मतलब पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, क्या एक फॉर्मूला लगाने से आंसर आ जाएगा आप सीख जाएंगे क्या, वो चीज आपको देखनी कि सर मैं क्या इस कंसेप्ट को या इस चैप्टर को डेवलप कर पा रहा हूं, क्या मैं इसको फील कर पा रहा हूं, इस सब चीजों को आपको करना है। ठीक है चलो अगले चीज हम लोग देखते हैं, मैं आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसमें 2 से 1/4 ईयर्स एंड 2 8 1/4 ईयर्स का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% दे रखा है, तो CI आपको कैलकुलेट करना है। और दूसरी कहानी ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने, 2000 रुपये प्रिंसिपल है, पहले साल में लगने वाला इंटरेस्ट जो है कि 4% है और सेकेंड ईयर में लगने वाला इंटरेस्ट जो है कि 3% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटली कितना होने वाला है ये हम लोग डील करने वाले हैं। आप लोग आइए मेरे साथ में और कंसेप्ट देखिए बेटा कैसे हमने यूज किया है, जो पढ़ा है उसको हम लोग लगाने वाले। अभी देखिए 1664 रुपये हमारे पास में है, 6400, 25% का रेट है और दो
साल और 1/4 साल, इन पूरी कहानी ये है। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, इसमें इस तरह का पार्ट बना दिया आपने, कहा यहाँ पर 1+1+1/4 बोल दें। जी हाँ सर, बात बिल्कुल सही है। ये बताइए कि 25% का मतलब क्या होता है? सर जी हमने परसेंटेज में सीखा था, ये होता है बेटा 1/4। अच्छा ये वाली चीज़ को अगर हम 1/4 मान लेते हैं तो इसको लिखेंगे 1/4 × 1। जी हाँ सर, लाइन को बड़ा कर लो, 1 × 1/4, वही सारी बातें। और यहाँ पर 1/4 को भी मल्टीप्लाई करें किससे, 1/4 से, यानी कहानी होगी 1/4 तो ये हो गया, यहाँ पर आएगा बेटा 1/4 और यहाँ पर आएगा मेरे पास 1/16। ये हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ सर, अभी टारगेट ये है सर जी, आप बताइए कि हम लोग अगर फर्स्ट ईयर की कहानी खेली जाए तो 6400 रुपये का 1/4 कितना होगा? आप सभी लोग जानते हैं ना बेटा फर्स्ट ईयर में कितना आएगा, 1600। आप तो खत्म हो गए। अच्छा फिर बताइए सेकेंड ईयर की बात करें तो क्या होगा? सर जी 6400 रुपये का दोबारा से 1/4 तो लगेगा ही, यानी कि 1600 रुपये हो जाएंगे। हाँ सर होना ही है। अच्छा बताइए लेकिन बेटा ये 1600 रुपये जो है उसका भी 1/4 लगेगा? हाँ जी सर, 25% बनना पड़ेगा, कितना आ जाएगा ये, 400 रुपये आ जाएगा। जी हाँ सर, थर्ड ईयर की बात करते हैं, थर्ड ईयर में सोचिए आप जरा। सर जी 6400 का थर्ड ईयर में तो 1/16 पार्ट निकालना है ना, यानी कि 25% का भी 1/4, यानी कि 1/16 निकालना है। तो 1/16 निकालने के तो कितना रुपया आएगा बेटा, 400 रुपये, यानी कि आप तो फ्री होंगे। फिर हमने कहा जी ये जो 1600 रुपये है ये बोलेंगे कि इसका 1/16 कितना है, कि सर 100 रुपये है। आगे बात करें हम लोग कि सर जी यहाँ से 1600 जो है आप भी फ्री हो गए, यहाँ पे आपका 1/16 निकाले कितना आएगा? सर जी आपका 1/16 फिर से 100 रुपये आ जाएगा। और ये बताइए 400 रुपये जो रह गए हैं, इन 400 रुपये का 1/16 निकाला जाए तो कितना आने वाला है? सर जी आ जाएगा 25 रुपीज। हमने कहा जी सर सारे को जोड़ते हैं, 1600 मिला के 3200 ही हो गया, और 4 मिला करके हमारा 3600 प्लस में 400 यानी कि 4000 तो ये हो गया, प्लस में 200 ये हो चुका है बेटा, और प्लस में जो है कि 25 हो गया, कुल मिलाकर के 4225 रुपये हमारे पास में इसका CI बन जाएगा। आप लोग इसको अगर A+B+ का AB 100 से करने जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत टाइम लगने वाला है बेटा। हम लोग इसको 25% प्लस में 25%, वो भी कहीं ना कहीं पॉइंट्स में आएगा, उसका फिर 1/4 निकाल करके कंजुकेटिवली एड करेंगे, ज्यादा बेहतर ये है आपके सामने बिना किसी पॉइंट्स के आंसर आ गया। हमें सीखना है चीजें इस तरह लगाइए, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों यहाँ पर आइए, आप क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, चीजें हमारे सामने बिल्कुल परोस दी गई है, आप आंसर निकालने की कोशिश करो। 2000 रुपये में दे रखे हैं, पहले साल में 4%, दूसरे साल में 3%। मैंने कहा भाई तरीका नंबर फर्स्ट, बिल्कुल बेसिक से सीखो, 2000 रुपये पहले साल में बोलेंगे, हमारा 4% बताइए। मैंने कहा आपका 4% निकालना तो मतलब ये तो 80 रुपीज हो गया। हाँ सर हो गया। मैंने कहा सेकेंड ईयर में कितना होगा? सेकेंड ईयर में ऐसा होगा, ये मेथड नंबर फर्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं ना। चलिए तो बेटा आपने कहा 2000 रुपये सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर की रेट तो खत्म हो गई ना, रेट कितना रह गया 3%। ये बताइए 2000 रुपये का 3% निकाला जाए तो क्या बेटा 60 रुपये आएगा? जी हाँ सर आएगा। लेकिन आप बताइए ये पहले साल में जो प्रिंसिपल बन चुका है, यानी 80 रुपीज जो इंटरेस्ट था पहले साल का, वो आज प्रिंसिपल की तरह काम करेगा? जी हाँ सर, ये मूलधन बन जाएगा। तो बेटा ये मूलधन जो है 80 रुपीज, इसका अगर 3% निकाला जाए तो ये बताइए 80 रुपीज, इसका 3% आपको निकालना है, इसमें हम लोग डिवाइड कर दें तो बेटा ये मेरे पास में 2.4 आ रहा है। जी हाँ सर आ रहा है। आप बताइए पूरी वैल्यू कितनी आ रही है? सर जी आ रहा है मेरे पास में 140 तो ये हो गया, और 2.4 ये हो गया, आपका आंसर हो जाएगा 142.4 आपका जो है कि कंबाइंड पूरा आपका CI का वैल्यू होगा, जो कि 2 साल में बनेगा, जब पहले साल में आपको 4% का रेट है और दूसरे साल में आपको जो है कि 2-3% का रेट दे रखा है। मैंने कहा मेथड नंबर 2 बताएंगे क्या? मैंने कहा सर इसमें तो आसान सा नजर आ रहा है ना, 4+3 हम लगा सकते हैं, मतलब कि 4+3 प्लस में 4 × 3/100 भी काम करेगा यहाँ पर, तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे 7.12 इतना परसेंट हो गया। जी हाँ सर हो गया। मैंने बात इतनी सी बोली कि एक छोटी सी कहानी बना लीजिए जिसमें प्रिंसिपल बेटा अगर 100 होता है, जी हाँ सर, तो CI कितना होगा? CI बनेगा बेटा 7.12%। जी हाँ सर, अच्छा 7.12% बनेगा, यानी कि 100 रुपये होने पर 7.12 इतने रुपये का आपको पूरा इंटरेस्ट मिलने वाला है। सारा पैसा है कितना सर जी? 2000 रुपये महंगा, 2000 रुपये तो आपकी भाषा में है, मेरी भाषा में कितना है सर जी? 100 रुपीज है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7.12? जी हाँ सर, इसको हम लोग सोल्व करें बेटा तो ये वाला मामला यहाँ खत्म हो जाएगा, 71.2 बन जाएगा, जीरो शिफ्ट करेंगे तो आंसर कितना जाएगा, 142.4। होपफुली आप लोग मेरी सारी बात समझ गए होंगे, इस तरह से बेटा आपको डील करना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट कहानी है, यानी कि एक छोटा सा कंसेप्ट हमें पढ़ना है, इंटरेस्टिंग भी है और प्री में तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं, आपको देखना है और टिक लगाना है ना, एक बार सीख लो आप, क्वेश्चन पढ़ के देखो आप। ये सर ऐसा है कि कोई सम ऑफ मनी 9/4 times हो जाता है अपना खुद का 2 सालों में, तो बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? यानी कि बेटा कोई भी पैसा, यानी कि पैसा तो हो गया मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल हो गया,
प्रिंसिपल बढ़ता है किस वजह से, सीआई की वजह से, और ये बढ़ करके अगर सीआई यानी कि उस इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाए प्रिंसिपल में तो क्या अमाउंट बन जाता है? हाँ सर, अमाउंट बन जाता है। इसका मतलब कि कहानी जो है प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का आपको रिलेशन दे रखा है। जी हाँ सर, तो आप इसको सोल्व करेंगे, अभी हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग आते हैं इस फॉर्मूले पर, ये समझिए जी इसका बेसिक क्या होता है। मैंने कहा था जी हमने एक बात सीखी है कि अमाउंट जो होता है इट कैन बी रिटर्न एज पी वन प्लस आर अपॉन में 100 और पावर जो है कि टी, ऐसा बोल सकते हैं? जी हाँ सर बोल सकते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग ईजाद कर रहे हैं, उसका वैसे कोई फायदा नहीं, लेकिन आपको ऐसा अच्छा लगेगा, हाँ सर मुझे फॉर्मूला आता है ना, और कोई बात नहीं है। जैसे ए अपॉन में पी जो है ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस में आर बाई 100 और ये पावर में जो है कि टी हो गया। ऐसा बहुत सारे बच्चे नहीं होते ऐसे कि सर जी हमारे कोचिंग वाले सर ने ऐसे लिखवाया था, हमारे सर ने ऐसे लिखवाया था, और हमारे में तो ऐसे डिजाइन वाला एक फॉर्मूला भी था, आपने नहीं लिखवाया, तो इसलिए केवल में आपकी केवल शांति मिल जाए इसलिए हम लोग कर रहे हैं। जबकि आपको लग जाएगा सर जी ये क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते थे। ठीक है, चलो यहाँ देखो ए ओपन में पी हो गया 1 + r/100 हो गया। बट आगे सोचिए, यहाँ से ए ओपन में पी जो है इसकी पावर अगर मैं देखो दोनों तरफ से 1/t ले लेता हूँ, 1/t यहाँ भी लगाऊंगा तो 1/t से t खत्म हो जाएगा, क्या इसका नाम 1 + r/100 हो गया? जी हाँ सर हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला ईजाद कर रहे हैं हम लोग। मैं इसको यहाँ पर लाते हैं, आप यहाँ चले जाइए, तो क्या बेटा आर अपॉन में 100 का वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं ए ओपन में पी जो है इसकी पावर जो है कि 1/t है और माइनस में 1 कर दिया जाए तो भी सही है? जी हाँ सही है। मैंने जी रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर आप बात ही कर रहे हैं तो बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं ए ओपन में पी इसकी पावर जो कि 1/t माइनस का 1 है, और ये इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 100 से तो आपका ये आंसर आपके सामने आ जाएगा। मुझे लग नहीं था आपको किसी को दिक्कत आ रही है क्योंकि आसान सी बात है। तो फिर आपने कहा जी ये फॉर्मूला हमने हमारे नोट्स में लिख भी लिया, चलो अच्छी बात है, बहुत सारी बुक्स में लिखा रहता है, इसको अप्लाई करते हैं एक बार। इसके तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेटा तरीका नंबर फर्स्ट हमने सीखा इसके हिसाब से कि सर जी अमाउंट जो है यानी कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना, मान लीजिए कि 1 रुपया है, तो बेटा क्या अमाउंट का नाम जो है कि उसको 9/4 माना जाएगा? जी हाँ सर माना जाएगा। अच्छा 9/4 मान लिया जाए तो आपने कहा जी 2 साल की बात है, तो ऐसा लिख देंगे हम लोग यहाँ पर कि जी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये बराबर यहाँ पर लिख दिया जाएगा सर जी 9/4 इसमें 1 का डिवाइड कर दिया जाएगा, इस पूरे की पावर जो है वो कितना है 1/2 हो गया और माइनस का 1 हो गया, इनटू में कर देते हैं हम लोग 100, तो आपका मामला यहाँ पे सेट हो जाएगा। जी हाँ सर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालनी है। बेटा यहाँ से 9/4 का स्क्वायर रूट निकालें कितना आएगा 3/2 और माइनस का 1 हो गया, और बाहर कितना चल रहा है यहाँ पे सर जी 100 चल रहा है। बेटा आर की बात करें, यहाँ से आर के लिए बात करेंगे तो 3/2 माइनस का 1 करना है यानी कि 1/2 ही हो जाएगा, इनटू में जो है कि बेटा यहाँ पे 100 हो गया। कुल मिलाकर के रेट का वैल्यू जो है कि 50% आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा तरीका नंबर 2 बताइए। तरीका नंबर 2 वो है जिसका आपने फॉर्मूला बनाया है। हमें इतने फॉर्मूला याद नहीं करने ना, जितना जहां पे बिल्कुल लग रहा है जी फॉर्मूला याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। हमें सिलेक्शन लेना है, हमें ज्यादा डिमांड लगाना कि सो जी मैं तो बिना फॉर्मूले करके दिखाऊंगा सिलेक्शन, मैं तो देखते आंसर निकालूंगा जादू टोटके वगैरह नहीं करने। हमें तो वो बेस्ट ऑप्शन निकालना है, ऑप्टिमाइज करना है सॉल्यूशंस को। तो मैंने कहा जब यहाँ पे जरूरत ही नहीं तो क्यों निकाले हम लोग। मैंने कैसे नहीं जरूरत कि भाई ऐसा है कि आप बताइए अमाउंट अगर 9/4 था जब प्रिंसिपल 1 रुपया था, पी 1 + r/100 आपको दे रखा था और पावर में 2 था, तो ये आपको दिख नहीं रहा क्या? आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली। आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लो। इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो यहाँ पर 3/2 ये आ गया, यहाँ पर 1 + r/100 हो गया। याद किसको करना है फॉर्मूला, 3/2 और हमने माइनस का 1 कर दिया, डेट इज द वैल्यू ऑफ r/100 हो गया। ऐसा ही तो होगा? जी हाँ सर होगा। बेटा यहाँ पे माइनस किया तो 1/2 इज द वैल्यू ऑफ r/100। नाउ वी कैन से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 50 बार, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा 50%। देखो इसमें तो थोड़ा जल्दी बोलना ही पड़ता है ना, बहुत सारा आसान सी चीजें इसमें तो टाइम लगेगा। और देखो हम देखो मेथड नंबर 3 लगाते हैं। बेटा जब भी आपको दे रखा है ना जितने भी साल की बात चल रही है उसका स्क्वायर रूट ले लो। मैंने क्या बोला सर आपने, महंगा बात इतनी सी है कि अगर प्रिंसिपल 4 रुपये होता तो अमाउंट कितना होता, 9 रुपये होता, तभी तो आप लोग बोल पा रहे हैं बेटा कि अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो जो आ रहा है 4:9 आ रहा है। मैंने कहा हाँ सर, आपने कहा 2 साल की बात है, 2 साल की बात है मतलब पूरे का स्क्वायर रूट ले लो, कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। यहाँ सर जी प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहे हैं, 2:3 आ जाएगा। ये बताइए 2 रुपये की चीज 3 रुपये में बेच दी, चलिए परसेंटेज में घुमा के लाता हूँ आपको मैं, 2 रुपये की चीज को 3 में बेच दिया, 1 रुपये का फायदा हो गया, कितने पर हो गया बेटा 2 रुपये पर। 1/2 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है यानी कि 1/2 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 50%। होपफुली आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको बोल देते हैं कि कोई भी धनराशि जो है पी था और अमाउंट था वो 27 गुना हो जाती है 3 सालों में, बोल दिया 3 वर्षों में, तो पूछा है आपसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है। तो बेटा इस तरीके से करने जाओगे तो मेरे साथ में आओ, मैं आपको सिखाता हूँ चीज़ें। 3 साल की बात है, इसका क्यूब रूट कर लो तो 1 आ जाएगा, और 3 होते 27 होता 3 होता है। जी हाँ सर ये बताइए ये प्रिंसिपल होता है या अमाउंट होता,
फायदा कितने का हो गया, 2 रुपये का फायदा होगा, कितने पर हो गया बेटा, 1 रुपये पर, 2 का फायदा 1 पर कैलकुलेट किया जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा बेटा, 200% हो जाएगा। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास दुनिया के सारे मेथड्स हैं और मैं बहुत ही बेहतरीन आपको कर रहा हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें आपके पास में हैं वो बेहतरीन है, आप लोग ट्राई कीजिए, ये एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। अगर एग्ज़ाम और ज़रा टफ हो जाएगा तो चीज़ें अपने आप डेवलप होंगी, लोग और कोशिश करेंगे, जूझेंगे और आसान तरीका निकालेंगे, लेकिन मुझे जैसा लगता है अभी के जो 200 क्वेश्चंस मेंस वाले 200 नंबर का पेपर है और 100 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं और 25 क्वेश्चन जो प्री के हैं, उन सब क्वेश्चंस में आप ये सब अप्लाई करो बेटा, ये आपको दिख रहा है ऐसे भी लगा लिया, चाहिए कर लिया, ये कर लिया, सब आपके दिमाग में रहेगा, तो ऐसी कौन सी ताकत है जो आपको सिलेक्शन रोकेगी? कोई नहीं रोक सकता, एक इंसान अपना सिलेक्शन खुद रोकता है, इसके अलावा कोई नहीं है। मुझे आप सबकी उन सभी परेशानियों का भी अंदाजा है कि आप लोग किस तरह से जीवन निकाल रहे हैं, कितनी सारी टेंशन होती है, घर से पैसा मंगवाना और वो सारी बातें मुझे पता ही है कि कितनी टेंशन में बीच में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, पूरे 24 आवर्स आप लोग अगर डिवोट कर रहे हैं तो उसका एक एक सेकंड का हिसाब आपके पास में रहना चाहिए। और दोस्तों मेरा तो एक ही आपको तरीका है पढ़ने का, जो काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, सर जी वो तरीका बताइए जिससे हमारे मैथ्स में अच्छा स्कोर हो जाए। बेटा आप हमेशा सोचो कि मैं टीचर हूँ और मुझे क्लास में जाकर के बच्चों को पढ़ाना है, अगर मैं अच्छे से उनको एक्सप्लेन करूंगा तो वो अच्छे से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे तो उनके बीच में ये वाला डाउट आना जेन्युइन है, वो पक्का मुझसे ये पूछने वाले हैं कि सर जी आपने इसको ऐसे क्यों कर दिया, इसको करने का रीजन ये है कि सर जी हमने कहा यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना था, हमने इसे टुकड़ों में ले दिया, आप अगर पावर 3 होता तो क्यूब रूट लेते, तो मैंने यहाँ पे क्यूब रूट ले दिया ताकि मेरे को टिक 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 करके लगा दिया आंसर हो गया, मुझे तो रास्ता ढूंढना है ना। तो आपको हर स्टेप का मतलब यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा, ये 1/t कहाँ से होता है, काफी लोगों को दिक्कत आएगी जी 1/t कहाँ से आ गया, तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप कोई भी बुक मार्केट की हर कलर की बुक जो भी मिलती है आप उठा लाइए, उनको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक आप शुरू कर दीजिए, इसमें आपको जहां भी लगेगा सर जी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है फटाफट से या तो फॉर्मूला लगाओ या फिर ऐसे खेल दो और जमती है तो उठा के ना इसको सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ही सेट कर दो, ये तो बेटा करना पड़ेगा, मतलब आपको खुद को कूदना पड़ेगा, चीजें बड़ी आसान है हो जाएंगी, आपको कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर जी SSC एग्जाम बहुत ज्यादा टफ है, बहुत लोग अरे बेटा 65 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं मैं मानता हूं, लेकिन जो जज्बे वाले बंदे होते हैं वो कम ही होते हैं, जो प्योर कंपटीशन लास्ट में रुकता है वो लगभग 50,000-60,000 बच्चों के बीच में रुकता है, जो जाकर के 10,000 या 8,000 सीट जितनी आती है वहां पे सिलेक्शन लेते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है और आप लोग अपनी मेहनत को लगातार एक रूप दो, जिस दिन आपकी रात रात भर जगने वाली मेहनत उस दिन एग्जाम में उतर जाएगी ना, उस दिन आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन उस मेहनत को लेके जाओ एग्जाम तक, आप बिल्कुल पूरी तरह से आपका डेडिकेशन दिखना चाहिए कि सर मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। भाई ऐसा है कि बेटा सिलेक्शन के लिए या तो आप 3 से 4 साल SSC को पूरी दो टुकड़ों में दो, या फिर आप 1 साल, अब तो आपके पास में लगभग 3 से 4 महीने रह गए हैं, 3-4 महीनों में आपको जो भी चीजें पढ़नी है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयार करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक आपने आज कितना गेन किया इसका हिसाब रखो। देखो बेटा ह्यूमन माइंड है, हम लोग शक्तिमान नहीं है, हम ऐसे कंडीशन में नहीं हुए हैं कि हमें आपने चीजें बोली हमने कंप्यूटराइज हमारा माइंड है और हम लोग आपने बताया हमने सीख लिया, ऐसा नहीं होता जनरली, हमें ये चीजें खुद को खींचनी पड़ेगी, हमारा फैमिली एनवायरनमेंट, बचपन में कहाँ पे हम लोग पढ़े हैं वो सब चीजें मैटर करती है, कि हमारा सपोर्टिंग कितना, हमारा लॉजिकल माइंड काम किया बचपन में, वो नहीं किया तो अब ट्राई करने में दिक्कत आ रही है। तो ये कि आप टुकड़ों में पढ़ाई करो या एक साथ सारी चीजें कर लो, करनी तो है, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको करना ही है, और बेटा हो जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल हिम्मत रखनी है, अगले आने वाले 3 से लेकर 4 महीनों के हर दिन हर घंटा हर सेकंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज का आप ख्याल रखो। मुझे दिन रात पढ़ने से फायदा होने वाला है तो ऐसा भी नहीं है, आप लोगों को सुबह मेडिटेशन कुछ स्मार्ट वर्क तो करना पड़ेगा, सुबह उठकर 10 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, चीजों को याद करो, ऐसे छोटे छोटे आप ऐसे ब्लैंक पेपर लेकर के उनको काट लीजिए, उनमें आप लिखो दिन भर हमने ये पढ़ा सर जी, हमने जो हिस्ट्री का वाला पार्ट पढ़ लिया, टॉपिक वाइज करो बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी घुट्टी हो जिसको पीने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो आप बिल्कुल सरासर गलत हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन होने का एक ही मात्र तरीका है कि आप लगातार 80 को घिसो 70 पे, यानी कि आप माइंड जो आपने जो चीज पढ़ ली है उसको लगातार रिवाइज करो, वो फल देगी बेटा, आज ना तो कल वो चीजें जरूर आएगी। मैंने आपको फिर बताया कि आप हिम्मत रखो, ये चीजें हो जाएंगी, होती आई हैं, कोई स्पेशल लोग नहीं है कि इनको अलग से ट्रेन किया जाता है उनका सिलेक्शन होता है, ऐसे ही मतलब जिसने ईमानदारी से 3-4 महीने दिखा दिया कि साहब मैं इंसान हूं और मैंने पूरी मेहनत करके ये मेरे पास में इंस्पेक्टर की जॉब है और मैं करके दिखा चुका हूं, तो वो ऐसे ही कर दिया बिल्कुल ऐसे रैंडमली पढ़ते गए पूरा, लेकिन ईमानदारी से, जो गाना सुना है ना कि कोयला काला है चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है साला, लेकिन आपको अपनी ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, सर मैं पूरी तरीके से अपने काम के लिए सतर्क हूं और मैं लगातार पूरी ईमानदारी से, आप धोखा खुद को नहीं देंगे सर जी आज 2 घंटे पढ़ लेता हूं कल 3 घंटे पढ़, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ना,
सिलेक्शन लेने का तरीका है कि मुझे टॉपिक वाइज पढ़ना है। आजकल पता है ना, पहले वो कारीगर आते थे, कारीगर क्या करते थे, साल दिन भर का पैसा लेते, आज दिन का 500 रुपए हो गया, दिन का 400 रुपए भाड़ा हो गया। आजकल डेवलपमेंट वहां पर भी हो गया, वो बोलते हैं हमें काम चाहिए, हमें तो ऐसा है कि ठेके पे लेते हैं चीजें। तो आप क्या करो, इसे ठेकेदार नहीं होते उस तरह से, आप लोग क्या करेंगे, आज का काम स्टार्ट कर दो भाई, टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया, 3 दिन में इस काम को पूरा करके दिखाऊंगा, ये मेरा खुद से वादा है। अगर आप ऐसा करने की सोचेंगे ना तो हो जाएगी। हर चीज के लिए पहले एक सोच चाहिए कि हम लोग सोच लें। आपने सोचा कि करके दिखाना है तो वो होगा, नहीं सोचोगे तो बहुत लोग नहीं सोच रहे हैं। आपने जब ये सोच लिया कि मुझे सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ना है, मैं एडमिशन ले रहा हूं, आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं या ऐसे बहुत सारे हथकंडे अपना रहे हैं यूट्यूब पर जहां से आपको सफलता का रास्ता खुल सके, यानी कि आपके दिमाग में एक वजह है कि मैं सिलेक्शन ले सकूं, और आप सिलेक्शन लेने के लिए जब पेन उठा करके, चेयर उठा करके, मोबाइल उठा करके, नेट चला करके आप वीडियो देख सकते हैं, तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी सक्सेस के लिए, और आपको जाना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट, मैं आपके साथ हूं, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।